चावला स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करें भैया एक दासू स्टॉक 7 जून यानी कि आज अभी मिला एक दासू स्टॉक मात्र 70 पैसे का स्टॉक। वाह, किसी को मत बताना, रातों रात लूट लो, लिख लो ये पक्का करोड़पति बनाएगा, लाइफ में एक बार ही ऐसा मौका आता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में भैया ये दासू स्टॉक है ही नहीं, मुझे पता है ही नहीं, 7 जून को अभी अभी बस मिला, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। देखो 59 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक पी रेशो 165 है, आरओसी 0.66 है, आरओई 0.48 है, डेप्ट नहीं है, वाओ प्लीज भी नहीं है, 11% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, डीए वाले नाम मात्र के, एफ आई वाले 5-6% है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अर्निंग पर शेयर 1 पैसा है, करंट रिजर्व करंट एसिड है 40 करोड़ का, रिजर्व कैश पड़ा है कंपनी में 21 करोड़ का, माई गोड कंपनी में कचरा है 19 करोड़ का, नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हुआ था देखो इसको 36 लाख का प्रॉफिट, क्वार्टर सेल्स नहीं है, सेल्स ग्रोथ माइनस में है अभी इसकी। और यहाँ पे देखो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एक तो आपको डेट फ्री और प्लीज फ्री मिल रही है, प्रमोटर के पास में माल भी है, एफआई वाले के पास में भी है, डीआई वाले के पास में भी माल है, सब कुछ उसका पॉजिटिव है, मतलब कंपनी स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों कंपनी में 2021 में देखो 23% की हिस्सेदारी थी, 2021 सितंबर में 19 कर ली और दिसंबर 2021 में 11 कर ली, अभी भी 11 की 11 ही है, ध्यान रखना। और डीआईएफआई वाले बने हुए हैं वैसे के वैसे, ये भी अपन को ध्यान रखना है दोस्तों। वही मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इस शेयर ने रिटर्न दिया है लेकिन अब 6 महीने से घुमा रहा है भैया, किसी को रिटर्न नहीं दे रहा है। देखो 11 लाख 9 लाख मार्केट में जितना यूनिट आ रहा है 90% माल लोग घर पे भी लेके जा रहे हैं, ये बात पे अपन को ध्यान रखनी है दोस्तों। अब देखो इसके सपोर्ट की बात करें ना, 1 रुपये 36 पैसे, 1 रुपये 32 पैसे, 1 रुपये 28 पैसे, ऊपर के 1 रुपये 44, 1 रुपये 48, 1 रुपये 52 पैसे, ध्यान रखना इस बात का। अब चार्ट की बात करें ना दोस्तों इस स्टॉक की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टॉक 3 रुपये 50 पैसे गया था और वहाँ से लगातार क्रेश हो रहा है और अपनी सपोर्ट पर है, यहाँ पर ध्यान रखना, अपने सपोर्ट पर ही है ये भी अपन को ध्यान रखना है दोस्तों। चार्ट हमने देख लिया कि भैया शेयर है जो क्रेश हुआ है, अब हम शेयर का नाम देख लेते हैं, शेयर का क्या नाम है, वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन, वहाँ पर देख लो 1 रुपये 49 पैसे का आ गया था, 1 रुपये 35 पैसे का लो गया था। अब आपको क्या करना है, देखो दोस्तों अगर आपके पास में स्टॉक है ऊपर के लेवल में तो एक बार आप होल्ड कर सकते हो, और अभी देखो फ्रेश एंट्री इसमें करनी नहीं है आपको, एक बार इसको थोड़ा और नीचे आने दो अगर आता है तो। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लास्ट सपोर्ट कितना है इसका, 1 रुपये अगर 30 पैसे पर मिलता है ना, 1 रुपये 30 पैसे पर, तो आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो, ध्यान रखना 1 रुपये 25 पैसे से 1 रुपये 30 पैसे पर लॉन्ग टाइम रखो, भैया रिटर्न निकाल के ही दे देगा, क्योंकि देखो छोटा सा शेयर है, डेट फ्री है, प्लीज नहीं है, प्रमोटर के पास में माल भी है, एफआई वालों के पास में माल है, डीआई वालों के पास में माल है, सबके पास में माल है, 20 करोड़ रुपये कंपनी में केस पड़े हुए, तो डरना है आखिर किस बात का। तो टाइटली होल्ड कर सकते हैं जिनके पास में है, नहीं है तो लेने की सोच सकते हैं। फिर भी देखो वीडियो नॉलेज के हिसाब से मैं किसी को बाय और सेल करने के लिए नहीं बोलता दोस्तों, आपको देख लेना क्या सही लगता है क्या गलत लगता है।